शांति 12 अगस्त 2020 बाबा साकार महावाक्य मधुर संतान गण तुम्हें मैंने आसुरी मतरे चलवा द्वारा बार द्वार होगल एवं ईश्वरीय मतरे चलिए सुखधाम को चली। प्रश्न पिला बाबा क्यों आशा रखिवार अच्छी कौन नुहे? उत्तर बाबा आशा रखिवार अच्छी आम बाबा द्वारा पवित्र हो किपर निज घर को एवं राजधानी को जीव बाबा कहते पाने आशा रखना जे अमुक को रोग हो टी आशीर्वाद मिलू एठारे रूपा किंबा आशीर्वाद कौनसी कथा ना मु तो तुम मान पतित पवित्र करने आसी तुमको एभली कर्म शिखाऊ जहाद्वारा तुम विकर्म होबना। आज गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। आत्मिक पिला माने गीत शुणिले पिला माने जानिले जे एबे घर को जीवार अच्छी बाबा आसी साथी रे नेबा पाई आत्म अभिमानी हेले ही एही कथा मने रही देह अभिमान रे रहिले मने रहिबो नाही। पिला माने जानिछंती जे बाबा यात्री होई आसीछंती तुमे मध्ये यात्री होई आसीतिलो एबे निज घर को भूली जाइछो पुणी बाबा घर कथा मने पकाई देली एवं प्रतिदिन से विषय रे बुझाउछंती जे पर्यंत स्वतप्रधान न होइछो तबे घर को जाई पारिबो नाही। पिला माने बुझुछंती जे बाबा तो ठीक कथा कहउछंती बाबा मध्य पिला मानंकु जे श्रीमत देउचंती सुसंतान माने ताहि पालन करिथांती एही समय रे आउ तो केही एभली पिता नहांती जे भलो मत देबे तेणु इतस्तह होई जाउचंती केवल बाबा ही श्रीमत देइथांती बाबांको मत को मध्य केही केही संतान पालन करु नहांती। आश्चर्य रो कथा अटे लौकिक पिता मत को पालन आसुरी मत ए सब ड्रामा परंतु पिला बुझाउछंती जे तुम्हें आसुरी मत द्वारा एही अधोगति को प्राप्त करिछो एबे ईश्वरीय मतरे पालन करिबा द्वारा तुम्हें सुखधाम को चली जीव ताहेला बेहतर संपत्ति बाबा प्रतिदिन बुझाउछंती तेणु पिला केते हर्षित रहिबा दरकार समस्त को तो एठारे रखा जाई पारिबो नाही घरे रही मध्य बाबा को मने पकाई पारिबो एबे पाठ सरीबा को जाउची एबे घर को फेरिबार अछि मनुष्य सब किछि भूली जाइछंती कहा जाइछि ना से तो निजर घर द्वार ही भूली जाइछंती एबे बाबा कहउछंती घर को भी मने पकाओ निजर राजधानी को मध्य मने पकाओ एबे अभिनय करिबा को जाउछ घर को फेरिबार अछि कोनो तुमे एकथा भूली गलो तुमे पिला माने कहि पारिबो जे बाबा ड्रामा अनुसारे आमर अभिनय ही एभली अटे जहा द्वारा आमे घर द्वार को भूली एकदम भ्रमित हो जाउछ भारतवासी निजर श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूली देवी धर्म भ्रष्ट देवी कर्म भ्रष्ट हो बाबार सावधानी देउछंती तुमर धर्म कर्म एपरि श्रेष्ठ थिला सत्य जुगरे तुमे जेऊ कर्म करुथिलो ताहा अकर्म हेउथिला कर्म अकर्म विकर्मर गति बाबा ही तुमको बुझाउछंती सत्य जुगरे कर्म अकर्म होइथाय रावण राज्यरे कर्म विकर्म होइथाय धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ करिबा पाई एबे बाबा आसीचंती तेणु एबे श्रीमत आधार रे कर्म श्रेष्ठ करिबा उचित कोनोसी भ्रष्ट कर्म करि काहाकु दुख देबा उचित नहि एही कर्म ईश्वरीय संतान मानंकर नुह जेउ निर्देश मिलुचि ताहा आधार रे परिचालित हेबा उचित देवी गुण धारण कर भोजन मध्य शुद्ध ग्रहण कर कौन सी प्रकार असुविधा हेले
तेबे राय पचारिबार कथा बाबा बुझुचंती जे चाकरी क्षेत्र रे केबे केउठारे किछि खाइबाकु भी पड़ी थाए जदि तुम्हें जोगबल द्वारा राजधानी स्थापन करुछ पतित दुनिया रु पवित्र करिपारुछ तेबे भजन को मध्य शुद्ध करिबा कोन बड़ कथा अटे चाकरी तो करिबार अछि एभली नुहे जे बाबांकर तो होइगल सबु किछि छाड़ी एठारे आसी बसी जिबा अनेक संतान माने अछंती एते संख्यारे तो एठारे रही पारिबो नाही समस्तंकु गृहस्थ मध्यरे रहिबाकु पड़िबो एहा बुझिबाकु पड़िबो जे मु आत्मा अटे बाबा आसी चंती मते पवित्र करी निज घरकु नै जिबे पुणी राजधानी को आसी जिबे यहा तो परदेश रावण छी दुनिया अटे ड्रामा प्लान अनुसार तुम्हें बिल्कुल ही पतित हो गल बाबा कहते एवं मु तुमको सजा करने आसी तेणु श्रीमत आधार रे चल जेते श्रीमत पालन करते श्रेष्ठ हेब एवं तुम्हें बुझी पार्छ जे जो बाबा स्वर्गर मालिक करू भूली जा एबे बाबा सुधारिबा पई आसी चंती तेनु भलो भाबरे सुधारिबा दरकार ना सर्वदा खुशी रहिबा उचित अविनाशी पिता मिली चंती बाबा पिला मानुको सहित एभली कथा हेउ चंती जेपरी तुमे आत्मा माने परस्पर भितरे कथा होई थाओ परमात्मा मध्य आत्मा ही अटंती ना तांकर मध्य अभिनय रहिची तुमे आत्मा माने अभिनेता अट केते केते श्रेष्ठ अभिनय रही भक्ति मार्ग रे मनुष्य माने गायन करी थांती जे ईश्वर ही सब किछि करी थांती बाबा कही थांती जे मोर कोण एभली अभिनय अछि कि जद्वारा बेमार को भलो करी देबी मोर कर्तव्य हैला रास्ता देखाइबा तुम्हें माने पवित्र किपरि हेबो पवित्र हेबा द्वारा तुम्हें घर को मध्य जाई पारिबो राजधानी को मध्य जाई पारिबो आउ कोनोसी आशा रखो नहीं एपरी नुहे जे अमुक बेमार होइछि आशीर्वाद मिलु एक कथा नुहे आशीर्वाद रूपा आदिर कथा मो पाखरे किछि मध्य नहीं सेति पई साधु संतंक पाख को जाओ तुम्हें मते डाकिथिल जे हे पतित पावन आसो आमको पवित्र कर पवित्र दुनिया को नै चालो बाबा पचारुचंती मु तुमको विषय सागर रु बाहर करी उद्धार करी नहीं जाऊछि पुणी तुम्हें विषय सागर रे काहेकि बुड़ी जाऊछ भक्ति मार्ग रे तुमर एहिपरि अवस्था होइछि ज्ञान भक्ति तुम मानक अटे सन्यासी लोक माने मध्य कहिथांती ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य किंतु ताहार अर्थ से माने बुझि न थांती एबे तुमर बुद्धि ज्ञान अछि भक्ति रूप से वैराग्य होउछि तेणु बेहद वैराग्य सिखाउथवा शिक्षक दरकार ना बाबा बुझाइथिले एहा श्मशान घाट अटे एहा परे परिस्थान अर्थात स्वर्ग हेबो सेठारे प्रत्येक कर्म अकर्म होइथाय एबे बाबा तुमको एभली कर्म सिखाउछंती जहा द्वारा कौनसी भी विकर्म हेब नाही कहा को मध्य दुख दियो नाही पतित आत्मा द्वारा प्रस्तुत अन्न खाओ नाही विकारग्रस्त हुओ नाही अबलांक मानंक उपरे अत्याचार एति पई ही होइथाय देखु छ जे किपरि मायार विघ्न पडुछि एही सब कथा गुप्त अटे कहिथांती देवता एवं असुर मानंकरे युद्ध होइथिला पुणी कहिथांती पांडव एवं कौरवंकर युद्ध लागिथिला वास्तव रे अंतिम लड़े गोटिए हेबो बाबा बुझाउछंती जे मु तुमको राजयोग सिखाउछि भविष्यत 21 जन्म पाई यहा मृत्युलोक अटे मनुष्य माने सत्यनारायण कथा सुनि आसुछंती फायदा किछि नाही यद्यपि मनुष्य मानंकर पशुतुल्य अटे देखो तुमको बाबा केउठा को नै जाउछंती प्रकृत सत्य अशोक वाटिका हैला सत्य युग ह
ଖତ ଏବଂ ବେହଦର ପ୍ରଭେଦ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ି ହେବା। ଚିତ୍ର ବି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଏହା ଅମୁକ ଦେଶ ଅଟେ। ତୁମେ ପୁଣି ବୁଝାଇଥାଅ ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ, ଶରୀର ନୁହଁ। ଆତ୍ମା ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ସହଜ କଥା ଶୁଣାଉଛ, କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାଗଣ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ ନା, ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହିଥାଅ ନା। ତେଣୁ କେବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶରୀରଧାରୀ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ପ୍ରିୟା ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାଦା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେବାର ଅଛି, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାରୂପୀ ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ବି ନିଜର କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଦୈବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାବଶ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲୁଛ, ବ୍ରହ୍ମା ବି ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ହାଲୁକା କରି ଚାଲ। 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ବାକି 16 ଘଣ୍ଟା ଆରାମ କିମ୍ବା ଧନ୍ଦା ଆଦି ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହା କର। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ଏହା ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବି ନୁହେଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବାର ଅଛି, ତା ନୁହେଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବାର ଅଛି, ସତେଜ ରହିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମଧୁବନର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଛୋଟିଆ ମଡେଲ ରୂପରେ ତିଆରି କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଏହି ବେହଦର କଥାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରିୟା ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବିକେ ଅଟୁ। ଜୀବନରେ ବିକାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଦି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଲେ, ତାହେଲେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ବି ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲ, ତେଣୁ ବାବା ତୁମର ନାମ ରଖିଥିଲେ ନା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଟି ରହିଥିଲେ, ଏହି ଭଟି କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କଣ କଣ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହେବ। ଏବେ ତ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି, ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ, ତୁମର ତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟେ ନା। ଏବେ ଆମକୁ ଅଳଙ୍କାର କିପରି ଦିଆଯିବ, ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ନା। ଏହା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ବାବା ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟେ, ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଡାକିଛ ଯେ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କର, ମୁକ୍ତ କର। ତାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ସେ ଅଜନ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯଦିଓ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ପରନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଓ ଅଲୌକିକ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅଥବା ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଜ୍ଞାନର ରାତ୍ରି ପୁରା ହେଲେ ମୁଁ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଦିନରେ 21 ଜନ୍ମ, ପୁଣି ରାତ୍ରିରେ 63 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏବେ ଦିନରୁ ରାତ୍ରିକୁ ଆସିଛ, ପୁଣି ଦିନକୁ ଯିବା।
स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको करुछंती। समय मोर पाठ रही तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी करुछी। तुम्हें पुणी अन्य मानको स्वदर्शन चक्रधारी कराओ। 84 जन्म किपरि नेइछ सही 84 जन्मर चक्र तो बुझीगल। पूर्वरु तुमर कौन यही ज्ञान थिला? बिल्कुल नुहे, अज्ञानी थिलो। बाबा मूल कथा बुझाउछंती जे बाबा हेउछंती स्वदर्शन चक्रधारी। तांकु ज्ञानर सागर कहा जायछि। से सत्य अटंती, चैतन्य अटंती, तुम मानको संपत्ति देउछंती। बाबा पिला मानको बुझाउछंती जे परस्पर मध्य लड़ाई झगड़ा कर ना, मनांतर हुआ ना, सब बेले हर्षित रुह एवं समस्त को बाबांकर परिचय दियो। बाबा को समस्ते भूली जाइछंती। एबे बाबा कहउछंती जे मामेकम याद कर, निराकार भगवान वाच, निराकारी आत्मा मानको प्रति। प्रकृतरे तुम्हें निराकार अट, पुणी साकार अभिनय करिबा पई आसुच। साकार शरीर बिना आत्मा किछि करि पारिबो नाही। आत्मा शरीर रु बाहरि गले शरीर किछि भी हलचल होई पारिबो नाही। आत्मा जई अन्य शरीर रे निजर अभिनय करि थाए। एही कथा को भलो भाबरे बुझ, निज भितरे मंथन कर। मु आत्मा बाबांको दारु संपत्ति लेउछि, संपत्ति मिलुछि सत्य जुगरे। निश्चित रूपे ही भारत को संपत्ति देइथिबे। केबे संपत्ति देइथिले पुणी कौन हैला? यहा मनुष्य को किसी भी जना नहीं। एबे बाबा सब जनाउछंती, तुम मानको ही स्वदर्शन चक्रधारी करुछंती। पुणी तुम्हें 84 जन्म नेउछ। एबे वकील अटंती, सब झगड़ारु मुक्त करि देउछंती। तुम मानको बहुत आंतरिक खुशी रहिबा दरकार, कारण आमे बाबांकर संतान संतति आदि को देखुथिले। देखुथिले मध्ये बुद्धि बाबा एवं राजधानी आड़ रहू। पाठ पढ़ा केते सहज अटे। बाबा तुमको विश्वर मालिक करुछंती, किंतु तांकु तुम्हें भूली जाउछ। प्रथमे निजकु आत्मा निश्चित भाव। एही ज्ञान बाबा संगम युग रही देइथांती। काहेकि ना संगम युग रे ही तुमको पवित्र रू, तुमको पतित रू पवित्र हेबार अछि। अच्छा, मीठा मीठा रूहानी ब्रह्मा को वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, यह देवता मानकर मध्य उच्च कुल अटे। तुम्हें भारत बहुत श्रेष्ठ सेवा करुछ। एबे पुणी तुम्हें पूज्य होई जीवो। बाबा एबे पुजारी रू पूज्य, कौड़ी रू हीरा जेपरी करुछंती, एभली रूहानी पिला मानक प्रति मात पिता बाप दादा याद प्यार एवं शुभ सकाल। अच्छा, मीठा मीठा शिखिल दे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादा मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पिता मानक आत्मिक संतान मानक नमस्ते। हमर आत्मिक पिला मानक आत्मिक मात पिता बाप दादा स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात नमस्ते। धारणा पई मुख्य सार। प्रथम, श्रीमत आधार रे एबे प्रत्येक कर्म को श्रेष्ठ करबा को हेबो। कहा को भी दुख देवार नाही, दैवी गुण धारण करबा को हेबो। बाबांकर निर्देश अनुसार ही चलबा को पड़िबो। द्वितीय, सर्वदा हर्षित रहबा पई स्वदर्शन चक्रधारी हेबा को पड़िबो। केबे भी लुण पानी हेबार अर्थात मतभेद आसीबार नाही। समस्त को बाबांकर परिचय देवा को हेबो। बहुत बहुत मीठा हेबा को पड़िबो। बहुत बहुत मीठा हेबा को पड़िबो। आजिर बरदान, सदा सर्वदा सुखर सागर रे लभिन रहुतबा अंतर्मुखी आत्मा हो। सदा सर्वदा सुखर सागर रे लभिन रहुतबा अंतर्मुखी आत्मा हो। विस्तार कथारे अच्छी अंतर्मुखी सदा सुखी। जो पिला माने सर्वदा अंतर्मुखी रहिबार वरदान प्राप्त करिनियंती, से माने बाबांको बोली सदा सर्वदा सुखर सागर रे लवलीन रहिथांती। सुखदातांकर संतान हिसाब रे
निजे मध्य सुखदाता हो जाती एवं सर्व आत्मा मानकु सुखर संपत्ति ही बांटी थांती। तेणु एबे अंतर्मुखी होई एपरी संपन्न मूर्ति हो जाओ जहाकि तुम निकट को केही भी कौनसी भी भावना रखी आसिले मध्य कौनसी भी भावना रखी आसीगले मध्य से तार भावनार अनुरूपक फल नहीं जाऊ। जेपरी बाबांकर भंडार रे कौनसी प्रकार अप्राप्त वस्तु न थाए सेहीपरी तुम्हें माने मध्य निजर पितांको समान भरपूर हो जाओ। स्लोगान जदि सदा सर्वदा निजर आत्मिक निशारे रहिबो तेबे केबे हेले अभिमानर अनुभव हेबो नाही।